अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अमजद जाहिद। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि एक नए टूल के बारे में जो कि है टेक्स्ट टू वीडियो। वो आपको स्पेसिफिकेशन देगा कि आप उसकी अलाइनमेंट, उसका फ्रेम रेट अकॉर्डिंग टू योर ओन स्पेसिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, और अगर आपने उसका इंटरफेरेंस टाइप भी चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको आज के टूल का फायदा ये होगा कि वो यूट्यूब के ओरिएंटेशन में यानी 16:9 के ग्राफिक्स में आपको वो टूल अवेलेबल होगा। चलें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलते हैं हम अपने टूल की तरफ और वहां पे चल के हम डेमो देखते हैं। तो ये मेरे पास टूल आ गया है, तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, इसका लिंक, इसका नाम है जीरोस्कोप वर्जन 2। पहले हमने जो देखा था वो था वर्जन 1। तो इस वर्जन 2 का फायदा क्या है, एक तो बड़ा फास्ट है और दूसरा ये आपको बड़ा अच्छे रिजल्ट आपको देता है, HD रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली आपको देता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने प्रॉम्प्ट राइटिंग की तरफ। अभी लोड हो जाए, तो लोड होने के बाद हम चलते हैं प्रॉम्प्ट राइटिंग की तरफ एंड देन हम रिजल्ट चेक करते हैं इसका। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इलॉन मस्क ईटिंग पिज़्ज़ा इन हिज ऑफिस। ठीक है, जस्ट डेमो प्रॉम्प्ट है तो मैंने एंटर कर दिया। तो अभी ये देखें, ये यहाँ पे रन होने लग गया और ये जल्दी से प्रोसेसिंग भी इसने स्टार्ट कर दी। तो अभी जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा आफ्टर 49.7 सेकेंड, तो हम इसको तब देखते हैं इसका रिजल्ट कि किस तरह का हमारे पास जो वीडियो क्लिप है जनरेट होता है। चलिए, जब तक वो जनरेट हो जाए तब उसे उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आप एडवांस के सेक्शन में आप आएंगे, अगर नंबर ऑफ फ्रेम यहाँ पे 24 है, अगर आपने 30 करने हैं या आपने अकॉर्डिंग टू योर ओन डिमांड बढ़ाने हैं तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ इंटरफेरेंस टाइप भी अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। तब तक हमारी वीडियो भी तैयार हो गई है, तो आप हमारी वीडियो को देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये वीडियो थी हमारी। और इसके अलावा और भी आप बहुत सारी चीज़ें इससे बहुत सारे प्रॉम्प्ट लिख के जनरेट कर सकते हैं। मार्क ज़करबर्ग ईटिंग पिज़्ज़ा इन दिस मेटावर्स। ठीक है, तो अब अभी इसे जनरेट करवा लेता हूँ और दूसरे डेमो देख लेते हैं। ये दो वही वीडियो हैं जो आपने स्टार्ट में देखी थी। ठीक है, इसका प्रोसेसिंग टाइम अच्छा है और इसका इस टूल का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, तो आप वहां से इसको एक्सेस कर लीजिएगा। तो ये लें जी, ये भी हमारा क्लिप जनरेट हो गया है। अब जनरेट होने के बाद अब हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं कि ये क्या हमें शो करवाता है। ये 6 सेकंड का है, तो देखें हमारे पास जो पिछला आया था वो 3 सेकंड का था, ये 6 सेकंड का है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका फ्रेम रेट बढ़ाया हुआ है और इंटरफेरेंस टाइप भी यहाँ पे बढ़ा दी है। सही है, तो जब आप इन चीज़ों के साथ आप खेलना सीख जाओगे, स्पीड को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है और नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो आपको उस लिहाज से वीडियो की क्वालिटी और ड्यूरेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।